आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री 9 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने राजनीति का आर नहीं बोला है। चाइना से खिलौना आना 96% कम हो गया क्योंकि मोदी जी ने आग्रह किया था, आज देखिए देश जागा है। और पर्यावरण, जलवायु, उन्होंने बिहार की मधुबनी पेंटिंग की चर्चा की। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन, मैं आपके साथ अजय सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात पूरे देश भर में सुनी जा रही है, और वहीं बात करें तो बैंक रोड दादी जी मंदिर के पास, जहां पर बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता हैं वो पहुंचे थे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पटना साहिब सांसद रविशंकर प्रसाद, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, और बांकेपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नितिन नवीन, जो तमाम नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचे थे। और जिस तरह से बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो मन की बात है यहाँ पर सुना जाएगा, और वहीं बात करें तो साफ तौर पर जो पटना साहिब के सांसद हैं रविशंकर प्रसाद, वो क्या कुछ कर रहे हैं पहले सुनो उनकी बातों। देश के जन की बात है, और आपने देखा होगा हमारे प्रधानमंत्री 9 साल से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक बार भी उन्होंने राजनीति का आर नहीं बोला है, किसी की आलोचना नहीं की है। देश को जगाना, देश को संभालना, सौहार्द पैदा करना, आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितना आगे बढ़ गया, सेल्फी विद डॉटर। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज देखिए चाइना से खिलौना आना 96% कम हो गया क्योंकि मोदी जी ने आग्रह किया था, आज देखिए देश जागा है। और पर्यावरण, जलवायु, उन्होंने बिहार की मधुबनी पेंटिंग की चर्चा की। कोरोना काल में देश को संभाला, एक ट्रेन के ड्राइवर से बात किया जो ऑक्सीजन लेके आया था, और उन्होंने एक एयरफोर्स के पायलट से बात किया जो पूरा ऑक्सीजन लेकर के आया था। ये मोदी जी ने काम किया है, आज मैं दिल से उनको प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ। और आपकी जानकारी के लिए, आपके सारे दर्शकों के लिए, IMA रोहतक ने स्टडी किया है, देश के 100 करोड़ लोगों ने एक बार जरूर देखा है मन की बात को, और रोज 23 करोड़ देखते हैं जब ये आता है अंतिम इतवार को। तो आज 100वां दिवस है, पहली बार दुनिया में एक नेता है जो 9 साल से हर रविवार अंतिम महीने के अंतिम रविवार को देश से बात करता है, ये है मन की बात। आज 100वां दिवस है, नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन, आपको भी शुभकामनाएं। तो आपने सुना रविशंकर प्रसाद का, उनका साफ तौर पर कहना है कि ये देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पूरे देश भर में जो डायरेक्ट जनता से बात करते हैं। और वहीं बात करें तो जिस तरह से जो हर एक महीने के अंतिम रविवार को नरेंद्र मोदी जिस तरह से मन की बात करते हैं, तो आज 100वां एपिसोड है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात की। इस तमाम खबरों को मैं अनीश पोनेसन के साथ, नमस्कार।